तो दोस्तों यहाँ पे Amazon और Flipkart के ऊपर सेल लाइव हो चुकी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं टॉप 5 लैपटॉप्स के बारे में, जो कि मेरा सबसे फेवरेट लैपटॉप है, जो कि मैं फर्स्ट नंबर पे डालना चाहता हूँ, वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3। हर वक्त मैं सबको सजेस्ट करता रहता हूँ क्योंकि मैंने यूज किया खुद ने और मुझे पता है कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से अच्छी तरीके से गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस सब कुछ है। तो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पे, 120 Hz, 60 Hz का भी आपको मिलता है, थोड़े से कम प्राइस में वो मिल जाएगा, लेकिन 120 Hz गेमिंग के लिए काफी बढ़िया होता है, तो आपको 120 Hz के साथ जाना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे 250 nits का ब्राइटनेस मिलता है, 45% NTSC आपको कलर गैमिट मिलता है। इसी रेंज में आपको यही स्पेसिफिकेशन मिलेगी, इतने ज्यादा ऊपर नीचे वहां पे नहीं होंगे। और प्रोसेसर के बारे में दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको i5 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, राइजन का भी आपको अवेलेबल है, 4600 है, थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव जाता है, लेकिन ये आपको उस रेंज में मिल जाएगा 6260-3000 के आसपास। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 8GB की रैम मिलती है, जो कि आप 16GB तक यहाँ पे बढ़ा सकते हो। 512GB की SSD मिलती है NVMe M.2 की, वो भी आप एक्सपांड कर सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड होगा, तो अच्छी तरीके से गेम वगैरह आप खेल सकते हो, परफॉर्मेंस तो काफ़ी बढ़िया है, लैपटॉप काफ़ी कूल रहता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाईफाई सिक्स मिलता है आपको, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट भी मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। अगर आप इस प्राइस रेंज में 60,000 के प्राइस रेंज में एक लैपटॉप कंसिडर करना चाहते हो तो गो फॉर इट, मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है ये लैपटॉप। तो अगर आपको 120 Hz डिस्प्ले वाला लैपटॉप कम पड़ रहा है और आपको 144 Hz वाला डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, तो आप Asus TUF F15 के साथ जा सकते हो, सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो फुल HD 15.6 इंच IPS डिस्प्ले तो मिलेगा, उसके साथ 144 Hz का वहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा, तो अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हो, हाई रिफ्रेश रेट भी है, काफ़ी बढ़िया आपको मजा आएगा, 45% NTSC कलर गैम्ब्यूट आपको मिलता है, 250 nits का ब्राइटनेस है, उसके साथ RGB कीबोर्ड आपको मिलता है, जो भी आपके मन करे आप कीबोर्ड के ऊपर कलर डाल सकते हो, रंग भी रंगे मस्त से। और प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको i5 10th जनरेशन मिलता है, 4 cores 8 threads के साथ, एंड उसके साथ साथ 8GB की रैम मिलती है, जो कि आप 32GB तक एक्सपांड कर सकते हो, 512GB की SSD मिलती है, एंड वो भी आप एक्सपांड कर सकते हो, उसके साथ NVIDIA GeForce GTX 1650 का 4GB ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, तो गेम तो आप इसके ऊपर गेम खेल ही सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगा। तो इसकी बैटरी लाइफ 5 to 6 hours दे देता है, लेकिन ये बैटरी कंजप्शन बहुत ही कर लेता है जब आप गेम वगैरह खेलते हो, तो आपको ये 2-3 घंटा ही दे पाएगा गेम खेलते हो, नॉर्मल गेम खेलते हो, हेवी गेम खेलोगे तो भाई 1-2 घंटा ही आपको मिल पाए। एंड कंपनी के तरफ से ऐसा बोला भी गया है कि विंडोज 10 से आप विंडोज 11 पे अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको एक अपडेट आएगा और आप आसानी से विंडोज 11 के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। और उसके साथ ये जो है सभी लैपटॉप्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, डायरेक्टली आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो, इस सेल में आपको काफी कम प्राइस में ये मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों अभी थर्ड लैपटॉप के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं HP की तरफ, क्योंकि HP का HP Pavilion 15 गेमिंग लैपटॉप जो है वो काफी बढ़िया हो सकता है इस सेगमेंट में आपके लिए, क्योंकि ये जो लैपटॉप है 144 Hz फुल HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है, 45% NTSC एंड 250 nits का ब्राइटनेस, मतलब इस रेंज में आपको यही स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले में काफी हद तक मिल ही जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको Ryzen 5 4600H का प्रोसेसर मिलता है, एंड 1TB की HDD 256GB का SSD आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आप अपग्रेड भी कर सकते हो आगे जाके, एंड 8GB की रैम जो दी गई है वो 16GB तक यहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस वगैरह आपका काफ़ी बढ़ जाएगा SSD होने के साथ, थोड़ा लैपटॉप अच्छी तरीके से वर्क भी करता है, स्पीड थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। एंड जो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे दिया गया है वो NVIDIA का GeForce GTX 1650 4GB का ग्राफिक्स कार्ड आपको प्रोवाइड किया गया, तो गेम तो हर एक लैपटॉप में आप खेल सकते हो, इसीलिए मैंने ये सारे लैपटॉप्स चुन चुन के पिकअप किए, तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर होगा। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका लुक, इस लैपटॉप का लुक सभी लैपटॉप से बेहतरीन है, एक चीज़ ध्यान में रखो, ऑफिस के लिए या फिर गेमिंग के लिए कहीं पे भी यूज करो, आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे लुक दिखाई देगा। बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों, तो 7.5 hours तक ये आराम से आपको दे देगा ऐसा कंपनी ने बोला, लेकिन इतना कभी भी नहीं मिलता, 5 hours आपको मैक्सिमम वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप आपको नॉर्मली 5 hours 4 hours और
अगर ज्यादा से ज्यादा आपको 6 hours नॉर्मल यूसेज पे दे पाते तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डायरेक्टली वहां से ये लैपटॉप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फोर्थ जो लैपटॉप होगा वो आपके लिए बेस्ट बजट लैपटॉप होगा, क्योंकि 60,000 के जस्ट नीचे आता है और 59,000 समथिंग इसका अमाउंट है, तो आपके लिए एक बेहतरीन लैपटॉप हो सकता है एज अ गेमिंग लैपटॉप। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये आता है 15.6 inch फुल HD LED IPS डिस्प्ले के साथ एंड 250 nits का ब्राइटनेस एंड 45% NTSC के साथ। लेकिन एक ही दिक्कत की बात है, यहाँ पे 60Hz का आपको डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि बाकी लैपटॉप में आपको 120Hz 144Hz का मिलता था, तो इसमें वही एक प्रॉब्लम है, 60Hz का डिस्प्ले मिलता है, इसीलिए हमने इसको फोर्थ पोजीशन में डाला है। और उसके साथ अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर मिलता है, 8GB के रैम मिलते हैं, 512GB की SSD आपको मिलते हैं, जो कि आप एक्सपांड कर सकते हो अगर आपको आप चाहे तो। एंड उसके साथ साथ इसमें NVIDIA का GeForce GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड भी आपको मिलता है, तो गेमिंग वगैरह सारे आप गेम्स खेल सकते हो, GTA 5 भी आसानी से आप यहाँ पे खेल सकते हो, या फिर जो AAA टाइटल जो है वो भी सारे गेम्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा अगर हाई परफॉर्मेंस गेम लोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको FPS का प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन इसी रेंज में आपको यही मिल सकता है, तो ये पहले ध्यान में रखे। Wi-Fi 6 आपको मिलता है, उसके साथ Bluetooth 5.1 का सपोर्ट मिलता है एंड काफ़ी एलिगेंट लुक है, ऑफिस में आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे, स्कूल में वगैरह भी यूज़ कर पाओगे, गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते, मतलब तीनों सेक्शन में आप अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे, तो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। और अगर हम दोस्तों फिफ्थ लैपटॉप के बारे में बात करें, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आपका बजट है तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हो, 68,000 के आसपास आता है, Lenovo Legion 5 सबसे बेहतरीन लैपटॉप, और कूलिंग अगर आपको बढ़िया चाहिए, सर्किट्स आपको कूल चाहिए तो लैपटॉप ये ले सकते हो, गेमिंग वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि इतना अच्छा लैपटॉप है, मैंने खुद ने यूज़ किया है, मुझे पता है किस तरीके से ये वर्क करता है और कितना कूल ये रहता है। और डिस्प्ले का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, जो कि 15.6 फुल HD IPS डिस्प्ले होगा, फिर से वही 250 nits का ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमूट आपको मिलता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसमें राइजन भी अवेलेबल है, आपको i5 भी मिलता है, तो ये वाला जो है i5 10 जनरेशन के साथ आता है, जो कि 68,000 में आपको मिलेगा। NVIDIA का GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड होगा, 8GB की रैम आपको मिलेगी एंड 512GB की SSD आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वही सेम Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.1 का सपोर्ट, लेकिन जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह वो सभी लैपटॉप से काफ़ी थोड़ा सा बढ़ के है, तो आपको एक मज़ा आएगा मूवीज वगैरह या फिर गेमिंग वगैरह करते हो, काफ़ी बढ़िया लगे। परफॉर्मेंस के लिए ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो। इसकी अगर हम बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों आराम से 5 से 6 घंटे आपको ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी, गेम्स वगैरह सारे गेम्स आप खेल सकते हो, ये FPS का भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, 60 FPS तो आराम से ये आपको प्रोवाइड कर ही देगा। सो होपफुली दोस्तों ये आपको 5 लैपटॉप अच्छे लगे होंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी आपको मदद वगैरह चाहिए और क्वेश्चन आपके हो तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पे डाल सकते हो, हम आपके सारे आंसर्स वहां पे दे देंगे। तो मिलते हैं अगली बार किसी ने वीडियो के साथ, किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।